वेलकम टू माय चैनल मनशास रेसिपी, होममेड रेसिपी विद लव जस्ट फॉर यू। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप दें। सैंडविच किसे नहीं पसंद, इनफैक्ट सैंडविच मुझे भी बहुत पसंद है, जो झटपट बन जाए, साथ ही टेस्टी और हेल्दी भी हो, तो क्या बात है। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, टी टाइम के समय या आपका जब भी मन करे झटपट बनाकर खा सकते हैं। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से मॉइस्ट। मैंने इसे तवे पर बनाया है और हेल्दी भी रखा है, तो इसे नाश्ते में बनाना तो बिल्कुल बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले कुकुम्बर को स्लाइड्स में काट लें, ना बहुत पतली ना मोटी, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से काटें। प्याज को भी स्लाइस में कट कर लेंगे, उसी तरह टमाटर को भी स्लाइस में काट लें। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड ली है, ब्रेड पर आप लो फैट बटर स्प्रेड करें, उस पर सैंडविच ग्रीन चटनी लगाएं अच्छे से। मैंने सैंडविच ग्रीन चटनी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप ये रेसिपी देख सकते हैं। बाद में टोमेटो सॉस या केचप स्क्वीज कर ले। अब हम सलाद अरेंज करेंगे। सबसे पहले कुकुम्बर स्लाइड्स रखें, उस पर टमाटर और प्याज के स्लाइड्स रखें, ऊपर से एक पिंच काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें, दूसरी स्लाइड्स को ऊपर रख दें। अब हम सैंडविच को दोनों तरफ से सेक लेंगे दो दो मिनट के लिए ग्रिल पैन या तवा पर। आप चाहे तो बटर लगाकर भी सेक सकते हैं। बीच से काट ले और गर्मा गर्म टमाटो सॉस या केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको आगे भी मेरी सारी रेसिपी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।